आप इतनी बड़ी तादाद में इतिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह का घर है, पाकीजा माहौल है, तज़किया और तस्फिया के दिन बीत रहे, शब बेदारियां हैं, दुआएं हैं। इमाम अबू नुऐम ने 5 बातें लिखी हैं जो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने खुद फरमाया। हजरत अली फरमाने लगे, मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे, ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं, ले लो हमसे, हासिल कर लो, ये फैज है। फरमाया, ढूंढने निकलोगे ना, ढूंढने तो तुम्हें ये मिलेंगी, ढूंढने से नहीं चीजें मिलेंगी। फरमाने लगे, 5 बातें ले लो यार, हजरत शेर खुदा की 5 बातें आज इसको सबक के तौर पर रट्टा लगा लो, इसे याद कर लो, दिल में बिठा लो, शेर खुदा की 5 बातें, इल्म और हिकमत का निचोड़, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लिया हुआ फैज, वो हुजूर की उम्मत को बांटते हैं, अपने से मोहब्बत करने वालों को अता करते। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, 5 बातें ले लो, तुम ऊंटों पर बैठ के निकलोगे तो थक जाओगे, लेकिन ये बातें तुम्हें कहीं न मिलेंगी। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं, पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। जीत जाओगे दोस्तों दुनिया में अगर ये बात आ गई, बच जाओगे, दिल ठंडा रहेगा, बेकरारियां बेचैनियां परेशानियां जान छोड़ जाएंगी। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं, अपने गुनाहों से डरा करो। तुम गरीब होने से डरते हो, तुम तंगदस्ती से डरते हो, तुम लोगों की दुश्मनी से डरते हो, अपने गुनाहों से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाफरमानियां रब की नाराजगी का सबब बन जाए। अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना फायदा होगा, किसी से बात कर लेना फायदा होगा, किसी से सीख लेना नफा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैजयाब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं, ये उलमा के लिए, फरमाए, अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बात याद रखें, जिस बात का पता ना हो, जिसकी खबर ना हो, जिस पर उबूर ना हो, उस बात को आगे बयान ना किया जाए, और कभी भी गलत बात ना बताई जाए। हजरत अली शेर खुदा हमें सबक देते हैं। और पांचवी बात, हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। अपनी जिंदगी सब्र के साथ गुजारना, जिंदगी में कभी बेसब्रे ना होना, हौसला ना छोड़ जाना। सब्र बुजदिली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं, सब्र तो रब करीम के फैसले के इंतजार को कहते हैं, सब्र तो अल्लाह की मदद के नाजिल होने के इंतजार को कहते हैं। फरमाया, जो तुम्हारे जिस्म में सर का मकाम है, वही ईमान में सब्र का मकाम है। ये मौला अली शेर खुदा ने हमें 5 बातें